अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या होगा। हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड जी और मेरी लिटिल गर्ल गई हैं ऊपर। हालांकि मेरे हस्बैंड जी बाद में आए हैं, मेरी लिटिल गर्ल दद्दू जी के साथ पहले ही निकल गई थी दादी के यहाँ। और मैं बस नीचे घर में अकेली हूँ। सो आपको दिखलाती हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं केवल अकेली हूँ। सो चलिए आपको दिखलाती हूँ। सो देखिएगा फ्रेंड, इस कमरे में कोई भी नहीं है। मेरी लिटिल गर्ल तो दद्दू के साथ चली गई थी, मेरे हस्बैंड जी भी आए हैं। सो वो भी सासू माता की साइड चले गए हैं। तो देखिए इस कमरे में भी आपको कोई नहीं दिख रहा होगा। और मेरी लिटिल गर्ल पहले चली गई थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी चले गए हैं। और कल हम लोगों के यहाँ पूरे दिन लाइट नहीं रही है, तो लाइट की वजह से हम लोगों के यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। तो रात में नल भी 10:30 बजे 11 बजे आए हैं। और उसके बाद 10:30 11 बजे नल आए हैं। और हम लोग समथिंग दिन में भी नहीं सो पाए हैं हम लोग। और रात में भी मैं कल काफ़ी लेट सो हूँ, समथिंग 1:30 बज गया था, क्योंकि नल भी आते रहे हैं। और सो मेरी लिटिल गर्ल भी आज पूरे दिन सोई है। और मैं भी आज मेरी लिटिल गर्ल 3:30 बजे सो गई थी और मैं सोई हूँ समथिंग 4:30 बजे। सो मैंने भी समथिंग 2-2.5 घंटे सो लिया है और मेरी लिटिल गर्ल ने भी सो लिया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाली है, खासतौर पर मैंने बनाया है, वीडियो लिखा, मैंने हर हेयर ऑल लिया है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये तो ऐसा है कि मेरा दिन भर का आप लोग हैं, इसलिए मैंने आपका आपको अपना पूरा दिन चलिए बताई है। सो माँ बाप के पास बैठना अच्छी बात है। सो मेरे ससुर गए हैं मेरे हस्बैंड जी और मैं आप लोगों को अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैंने हिंदू लेखा हेयर ऑयल यूज किया है। सो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ और मेरा अनुभव है ये हिंदू लेखा हेयर ऑयल के बारे में कि मेरे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मेरी हेयर फॉलिंग हो रही थी, तो मैंने एक सीसी ये है मेरे उसका हेयर ऑयल है, मैंने ये पहले मंगवाया था। तो इसमें थोड़ा सा इतना सा ही बचा है और मेरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही थी। सो मैंने इसको यूज किया है, मेरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही थी। सो मेरा अनुभव ये है कि इससे फ़ायदा तो मिलता है, मेरा बाल एकदम से तो ऐसा तो है नहीं है कि गद्दी पे कोई राई जमाने वाला काम है। सो मेरा बालों में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मैंने ये मेरी सीसी खाली भी नहीं हो पाई है, इसमें इतना सा है। और मैंने ये दूसरी सीसी मंगवा दी है क्योंकि इससे मुझे काफ़ी फायदा है। तो देखिए इससे मुझे और इससे मुझे काफ़ी ही फायदा है। सो देखिए मैं आपको दिखलाती हूँ मेरे दूसरी सीसी भी मंगवा ली है, इससे मेरे काफ़ी हेयर फॉलिंग कम हुई है। तो देखिए देखिए मेरा पहले वाला है और ये मैंने अभी मंगवाया है। सो आपको देखिए ये दूसरी सीसी है, उसमें थोड़ा सा क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। यदि मुझे फ़ायदा नहीं होता तो दूसरी चीज़ें नहीं हो जाती। हमारे हेयर फॉलिंग में थोड़ा कंट्रोल मुझे समझ में आया है, तो मैं
पोस्ट करूँगी। तो मेरा ये अनुभव है कि हिंदू लेखा के उसके हेयर फॉलिंग हो रही है, उसको लेना चाहिए। और देखिए मेरी लिटिल गर्ल, और लिटिल गर्ल के पापा भी आ गए हैं। दिल गैल आ गई है और यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी हैं। सो देखिए आपको ये दिल गैल, अभी आप लोगों को दिखाया था कोई नहीं था, दिल गैल आ गई है और मेरे हस्बैंड आ गए हैं। सो फ्रेंड चलिए मिलते हैं में, और मेरे हस्बैंड जी, मेरा पेस्ट ख़त्म हो गया है। सो मेरे हस्बैंड जी पेस्ट लेके आए हैं, और देखिए मेरी दोनों सिस्टर हैं हेयर ऑयल की। सो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा है, सो आप लोग भी मंगवा सकते हैं, और मुझे तो फ़र्क समझ में आया है, आपको भी आएगा ज़रूर। बस ये है कि आपको हफ्ते में 3 बार लगाना है, तो मैं तो हफ्ते में 3 बार लगाती हूँ, आप भी हफ्ते में 3 बार लगाइएगा। लिटिल गर्ल ने देखिए कपड़े का साबुन निकाल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी लिटिल गर्ल और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसको रैक पे रख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं रैक पे नहीं रखूँगी तो मेरी लिटिल गर्ल, देखिए मैंने रख दिए हैं, रैक पे नहीं रखूँगी तो मेरी लिटिल गर्ल पूरा मेरा तेल बर्बाद कर देगी, इसलिए मुझे रैक पे रखना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी लिटिल गर्ल को मैं खाना वाना खिलाऊंगी, मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, सभी मिलते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभरात्रि। और मेरे हस्बैंड जी देखिए आ गए हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।